आप अभी इन वीडियोस को देख के अपनी 8.1 तक का सारा काम कंप्लीट करो ठीक है पूरी वीडियो को देखा करो बच्चों आप आधी अधूरी देखते हो मुझे सब पता लग जाता है आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज आप ही की बढ़नी है क्योंकि पता है लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई हो नहीं रही है अगर स्कूल से कुछ छूट गया आप डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे एटलीस्ट यहाँ से तो देखो आफ्टर लॉकडाउन तो हम आपको इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप फिलहाल यहाँ से काम चलाओ और ये सारी वीडियोस कॉपी पे नोट किया करो सारे वर्क को आप टाइम टू टाइम करके चेक कराते रहो आप ही का फायदा है इसमें ठीक है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको जो आपने पीछे वीडियोज़ की देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले क्या है ये राइमिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी प्रीवियस वीडियो में और उसको लिखने का जो तरीका है वो यही है इसी को फॉलो करना है आपने कैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले तो ये राइमिंग मीन्स एट पॉइंट वन कम्प्लीट इस पर बेस्ड आपके ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं इस बार भी ट्वेंटी ट्वेंटी में भी क्वेश्चन आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार 2020 में जो इस टॉपिक पे बेस्ड था मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्वेश्चन ये राइमिंग ट्रिग्नोमेट्री ये राइमिंग पता होनी चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखा है तो ये राइमिंग तो हर बच्चे को आनी चाहिए ठीक है तो लास्ट वीडियो के लिए आई बटन पे क्लिक करो और लास्ट वीडियो पहले अच्छे से देखो और फाइव तक के क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले आप ठीक है अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर तो आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्यों क्योंकि इसमें क्या है प्रूफ दैट का क्वेश्चन है शो दैट का क्वेश्चन है तो देखो क्या है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस इज इक्वल टू कॉस बी अभी तक आपको इतने क्वेश्चन में कॉस क्या होता है ये अब आपको पता लग गया होगा और प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यानी कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि अक्यूट एंगल्स की बात हुई हो और कॉस है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स है तो ट्राइंगल पर तो बेस्ड होता ही होता है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास क्या है कॉस इज इक्वल टू कॉस बी है ठीक है और क्या बोले कि ए और बी जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो आप ज़रा ध्यान रखना कि राइट right एंगल किस पे बनेगा सी पर ये आपको खुद सोचना है कि सी पे राइट एंगल क्यों होगा क्योंकि गिवन है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री तो ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है तो ए और बी को एक्यूट एंगल दिखाना है तो ऑटोमेटिक सी ही तो आपका इन दोनों से बड़ा होगा और वो राइट right एंगल होगा तो ये क्लियर हो गया होगा कि सी पे राइट right एंगल मैंने क्यों दिया है अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन में आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी हैं आपने ना वही शो के वे से चलना है तो गिवन में आपके पास क्या है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ठीक है और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी ठीक है और आपने क्या करना है टू शो में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाना है ठीक है तो गिवन आपके पास दो पॉइंट्स हैं, और शो आपने क्या करना है एंगल इज़ इक्वल टू एंगल बी आपने करना है तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है सबसे पहले आपके पास आपको पता है कि आपके दोनों एंगल सेंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स हैं ठीक है इट मींस बोथ लेस देन 90 डिग्री हैं तो क्या है आपके पास मेन गिवन आपके पास क्या है कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कॉस ए जो है वो कॉस बी के हिसाब से कॉस आया तो पंडित जी आपकी हेल्प करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले के हिसाब से जब आप देखोगे तो कॉस क्या होता है कॉस जो होता है वो आपका पंडित बद्री प्रसाद बी अपॉन एच होता है क्या होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइब्रोटेनियस तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कॉस ए है और एक क्या आपका टॉप वाला एंगल है तो टॉप वाले एंगल के हिसाब से बेस कौन सा हो जाएगा ए सी हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ए सी अपॉन में बी अपॉन एच यानी हाइपोटेनियस क्या होगा ए बी और कॉस बी कॉस बी का मतलब ये वाला एंगल और बेस है, वाई लाइन पर कोई चेंज नहीं होता तो इसलिए आपका ये वाला क्या होगा यही बेस और ये प्रपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस तो इसके हिसाब से भी कॉस कॉस मतलब पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से ये भी क्या होता है बी अपॉन एच यानी ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है ए बी तो ये रिजल्ट आया कि ये चीज आपके पास गिवन थी आपने देखा कि कॉ से क्या होता है तो कॉ से ट्राइंगल से ए सी अपॉन ए बी बी अपॉन एच ये भी बी अपॉन एच है बट एंगल बी के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है ए बी ए बी तो ए बी से ए बी कैंसिल आपके पास क्या बचा ए सी इज इक्वल टू बी सी और किसी भी ट्रायंगल में आपने नाइन्थ क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो देखो ए सी ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया इट मीन्स ए सी के अपोजिट में एंगल बी और बी सी के अपोजिट में एंगल ए इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ब्रैकेट में क्या रीजन देना है आपने रीजन देना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली थ्योरम जो आपको पता है नाइन से क्या एंगल अपोजिट टू तो इक्वल साइड्स आर इक्वल तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो चुका है मेन बात आपने क्या याद रखनी थी कि आपके पास कॉस इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है ए तो टॉप एंगल टॉप एंगल में क्या रिलेशन होता है पिछली वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कॉस बी बी यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हमने अपना पंडित जी के हिसाब से लिखा ए बी ए बी कैंसिल जो रिजल्ट बचा और किसी भी ट्राइंगल में दो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था अब देखो आप क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू तो सेवन बाई एट है और देन इवेल्युएट करना है आपने एक फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट आपका ये है देखो दो पार्ट दे रखे हैं तो दोनों पार्ट्स में जाने से पहले आपने दो चीज़ें देखनी भी है पहला कि जो आपके पास कॉट थीटर की वैल्यू दे रखी है ठीक है उसकी वैल्यू कहीं आपके वैल्यूएट में कहीं आ तो नहीं रहा है तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में तो कॉट का कहीं यूज़ नहीं है बट आप सेकेंड पार्ट देख रहे हो तो सेकेंड पार्ट क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर है मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है तो यानी क्या करना है इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है तो देखो कॉट की वैल्यू अगर सेवन बाई एट है तो कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ये फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर तो ये बहुत ही आपका ईजी क्वेश्चन है कि ये तो कुछ था ही नहीं कॉट स्क्वायर थीटा है तो सेकेंड पार्ट ईजीली आप समझ गए होंगे ठीक है अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं इसमें क्या है साइन कॉस आ रहा है साइन कॉस आने का मतलब है कि आपने क्या करना है फ़र्स्ट आपने वही अपना ट्राइंगल बनाना है एक क्योंकि विदाउट ट्राइंगल आप इसकी पहले थर्ड साइड ही निकाल पाओगे और ट्राइंगल में अगर थर्ड साइड नहीं आया तो फिर साइन कॉस नहीं आएंगे इसलिए तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या करना है आपने कि एक आप ट्राइंगल यहाँ पे बना लो ए बी सी अच्छा देखो यहाँ पे थीटा कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि कॉट थीटा जो है सेवन बाई एट है तो आपसे ये नहीं बोला कि ए है कि बी है कि सी है तो आप इसे कहीं भी ले लो इसको चलो मैं अपना थीटा सी पे ले लेता हूं और इसको थीटा ले लेता हूं इसको 90 डिग्री ले, ले लेता हूं ठीक है तो सेंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपका ए बी सी राइट एंगल एट राइट एंगल एट बी बी पे नाइन्टी डिग्री ले लिया हमने तो सी जो है वो अपना थीटा से डिनोट कर रहा C है अब देखो थीटा आपको पता है कितना कि थीटा आपके पास है इट्स अ गिवन देखो जब भी कभी आपके सेंटीमीटर कुछ यूनिट्स ना लगे हो तो आपने क्या करना है वहां पे यूनिट कुछ लेट कर लेना है जस्ट लाइक के ले लो आप तो देखो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो आपका एक तरीके से कॉट थीटा क्या होता है टेंथ थीटा का रेसिप्रोकल मैंने बताया ना आपको तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस आपका बी सी है और परपेंडिकुलर आपका ए बी है ठीक है और हम इनको क्या लेट कर लेंगे बेस यानी कि सेवन क्या सेवन के लाइट कर लो और परपेंडिकुलर को आप क्या लेट कर लो एट के ठीक है तो सेवन और एट के तो यहाँ पे आ गए आपके अब आपने क्या नहीं पता ये सेवन के और ये एट के आपने लेट कर लेना है आपने हाइपोटेनियस नहीं पता तो क्या करना है यूजिंग पाइथागोरस क्योंकि मैंने बताया थर्ड साइड जो होगी वो आपकी पाइथागोरस से ही फाइंड होती है पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा तो ए सी का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू कितनी एट के ये के क्यों लिया मैंने क्योंकि सेंटीमीटर नहीं था यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं थी यूनिट्स नहीं है तो आप के लैड कर लोगे तो एट के का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू सेवन के का स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करते हैं एट का स्क्वायर कितना होता है बहुत अच्छे से सबको पता होगा सिक्सटी फोर और के का स्क्वायर भी के का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे और सेवन सेवन जहा कितना होता है फोर्टी नाइन के स्क्वायर दोनों में के स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे तो सिक्सटी फोर और फोर्टी नाइन ऐड करोगे तो पता है कितना आएगा वन वन थ्री एक सौ तेरह वन हंड्रेड थर्टीन के स्क्वायर ठीक है अब ए सी का स्क्वायर है जब आप ए सी की सिर्फ वैल्यू निकालोगे तो 113 तो किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है तो ये अंडर रूट वन वन थ्री ही रहेगा हाँ के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर का रूट से बाहर निकालोगे के आ जाएगा इट मीन्स ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट वन वन थ्री के आ गया ठीक है तो ये आपके पास एसी की यानी कि हाइपोटेनियस की, की वैल्यू आ चुकी है अब जब हाइपोटेनियस आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई सी भी रेशियो आप निकाल सकते हो बट हमें नीड किस किस की साइन और तो चलो की स्पेशली वैल्यूज की फिर अपने वाले पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आगे का इसके बाद का आप यहां पे देख लो अब यहां से हम साइन निकालते हैं देखो साइन थीटा क्या होगा आपका थीटा परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन क्योंकि पंडित जी क्या कह रहे हैं एच होता है तो P, perpendicular, perpendicular 8K, तो तो यानी कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका आपका इसमें कितना कितना आप लिख दीजिए और अभी अभी आया अब देखो K से कैंसिल तो आपके पास क्या, तो क्या बच पंडित जी कह रहे हैं बी अपॉन एच तो बी अपॉन एच कर लो तो बी अपॉन एच मतलब बेस बेस कितना है आपका सेवन के अपॉन में हाइपोटीनियस वन वन थ्री और के फिर से के से के कैंसिल क्या बचा सेवन अपॉन में अंडर उन वन थ्री तो अब साइन की भी वैल्यू पता है कॉस की भी वैल्यू पता है नाउ वी हैव टू इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट तो हम फर्स्ट पार्ट को इवेलुएट करते हैं आपके पास क्या गिवन है वन प्लस साइन थ्री एंड वन माइनस साइन थीटा जो बच्चे आइडेंटिटीज़ में परफेक्ट होंगे उनको क्लियरली इनकी शक्ल देख के पता लग गया होगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है पॉइनलोमेल चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया मैंने तो और नीचे भी आपको दिख गया होगा क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो आप जितना इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आपके लिए उतना बढ़िया क्योंकि वैल्यूज छोटी वैल्यूज़ पुट करने के लिए आपको मिलेंगे ठीक है बहुत सारे वैसे फॉर्मेट होते हैं आपके जिसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे अभी से ही वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व देखो अभी से वैल्यू पुट करके भी करोगे तो भी आंसर आएगा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में वैल्यू पुट करोगे वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वैल्यू पुट करके वो एलसीएम वेल्सियम लेते रहोगे बहुत टाइम लगेगा और अगर यहाँ से कुछ दिख रहा है कि यहाँ कोई आइडेंटिटी बन रही है तो उसका यूज़ करो ना तो देखो यहाँ से क्या आइडेंटिटी बन रही है कि ये बन रहा है वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी वन का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन और कॉस की वैल्यू अब ये भी जस्ट निकाली हमने ये दोनों इन दोनों को यहाँ पे आप पुट कर लो तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एट अपॉन में अंडर रूट वन वन थ्री और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है यहाँ भी वन माइनस सेवन अपॉन में अंडर रूट वन वन थ्री का स्क्वायर कर लो ठीक है अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं देखो वन तो वन ही रहेगा एट का स्क्वायर करोगे सिक्सटी फोर और रूट का करोगे स्क्वायर तो कितना होगा वन हंड्रेड थर्टीन सेम ऐसी वन माइनस फोर्टी नाइन में वन वन थ्री अब यहां तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा लेंदी है ठीक है तो इसके बाद का आगे आप इधर देख लो एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा वन वन थ्री और 113 इसको पूरा ही मिलेगा तो 113 माइनस का इसको कुछ नहीं मिलेगा 64 अगेन नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 113 ही आएगा और ये वन बार में तो आपको पता है कितना 113 ही आएगा माइनस यहाँ पे कितना 49 अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो 113 से 113 हंड्रेड कैंसिल माइनस कर लो आप तो वन में से सिक्सटी गया तो कितना फोर्टी और इसमें से इस इसको माइनस करोगे तो 64 तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है और सेम आंसर कुछ इसके सेकंड पार्ट का भी आएगा क्योंकि कॉर्ट थीटा का स्क्वायर दिखा रहा है तो कॉर्ट थीटा की वैल्यू सेवन बाई एट है उसका स्क्वायर कर दो कितना आ गया फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर देखो ये जो इवेल्युएट के क्वेश्चन होते हैं ऑन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट ये फाइंड करना है देखना है आपने कि अगर कोई यूनिट्स नहीं है तो के लगाना है थर्ड साइड आपने पाइथागोरस से फाइंड करनी है वो फाइंड आउट करने के बाद आपको जो गिवन है उनमें देख लो कि क्या निकालना है साइन कॉस टेन क्या निकालना है वो आप निकाल लो पंडित जी की हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित जी हमारे उसके बाद आप अपने एवेल्युएट को देखो कि अगर क्या वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या अगर वो हो रहा है तो आप कर लो और फिर उन पर वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो और अगर नहीं हो रहा होता तो मैं वैल्यू शुरू से ही पुट करके चलता तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा उसको सॉल्व करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर एट जो है अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस टॉपिक पे बेस्ड जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और एक्सरसाइज में आते हैं देखो यहाँ आ गया ना चेक वेदर चेक का मतलब क्या है कि ये इक्वल्स टू ये है या नहीं है लिखा भी है और नॉट है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपके पास पहले गिवन क्या है और आपने क्या करना है वो तो बात की बात है पहले गिवन देखते हैं हम देखो गिवन में आपके पास है कि थ्री टाइम्स ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू फोर इस टाइप की फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फोर में भी था कि ये यहां पे एक नंबर था अगर यहां पे कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई में उसको उठा के यहां पे किस में लिखोगे डिवाइड में तो इसका मतलब यहां से कॉट ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई फोर बाई थ्री आ गई अब पंडित जी के हिसाब से कॉट क्या होता है कॉट अभी, अभी अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में सेवन में क्या होता है बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है वो अच्छा अगर इनके पास कोई भी यूनिट्स नहीं है सेंटीमीटर मीटर तो आप क्या करोगे केल ऐड कर लोगे तो इसका मतलब आप कॉट ए को एक तरीके से इज़ क्या होते हैं वो वो होते हैं हमारे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले बार बार यूज होता है तो बी अपॉन पी तो ये यानी कि फोर केल ऐड कर लो इसको और इसको आप थ्री केल ऐड कर लो ठीक है अब आपको पता बेस परपेंडिकुलर आपको पता है तो आपको क्या नहीं पता हाइपोटिकस नहीं पता तो आप यूजिंग पाइथागोरस से

कि दिक्कत ना आए आपको इसलिए आपने यहां ये एंगल ले लिया है तो आपका कॉ यहां पर तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना यही बेस यही परपेंडिकुलर यही यहीस नो चेंज आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस यूज करते हैं इसमें वही सेम एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास बेस बेस कितना है आपका फोर के और ये कितना है परपेंडिकुलर थ्री के चलो जी तो बेस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और आगे सिंप्लीफाई करते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी फोर के का स्क्वायर और ये कितना है आपका थ्री के का स्क्वायर जब यूनिट ना हो तो के लगा लो फोर के का कितना होता है सिक्सटीन के स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका नाइन के स्क्वायर ऐड करा लो आप ऐड कराओगे तो कितना आएगा ए सी का स्क्वायर सिक्सटीन और नाइन कितने होते हैं ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर और ए सी की वैल्यू निकालनी है तो ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर रूट होता है फाइव का और के स्क्वायर का कितना होगा के तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई फाइव के आ गई आपकी अब आगे क्या करना है कि हाइपोटेनियस आ गया तो आपको मेन क्या क्या निकालना है एक तो टेन और राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हो कि कॉस है और एक साइन है यानी कि आपको ये शो करना है कि ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों इक्वल है या नहीं है तो ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा तो चलो क्या क्या चाहिए टाइम टेन साइन कॉस तीन की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं हम देखो कॉट अगर आपको पता है तो कॉट का जस्ट रेसिप्रोकल आपको मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया हुआ है कि कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन तो नाउ आपका जो टेन ए होगा वो क्या हो जाएगा अगर ये फोर बाई थ्री है तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर हो जाएगा और साइन की बात करते हैं देखो साइन ए मैंने बताया ए अगर यहाँ है तो कोई चेंज ही नहीं है और साइन पंडित जी बद्री प्रसाद वाले के हिसाब से आपको पता है ना कि क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले सोना चांदी तोले तो एस पी अपॉन एच होता है तो प्रपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यहां पे कितना है आपका थ्री के और हाइपोटेनियस कितना है आपका फाइव के के से के कैंसिल कितना आ गया थ्री बाई फाइव ठीक ऐसे ही आप क्या निकालोगे कॉस निकाल लोगे तो आगे देखो आप कॉस निकाल लो साइन और टेन पता लग गया ना आपको अब यहाँ से आप क्या निकाल लो कॉस और कॉस है क्या होगा बी अपॉन एच तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और बेस क्या है इसका फोर के और हाईपोटीस आपका कितना है फाइव के के से के कैंसिल कितना आ गया फोर बाई फाइव अब आपके पास जो एल एच एस और आर एच एस में वैल्यूज पुट करनी है वो सब आ चुकी हैं आपने फाइनली अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं एल एच एस को सॉल्व कर रहा हूँ एल एच एस आपका क्या कहता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए वैल्यू पुट कर लेते हैं टेन की वन माइनस टेन की वैल्यू कितनी थ्री बाई फोर और उसका क्या कर दो स्क्वायर फिर वन प्लस इसका भी क्या कर दो स्क्वायर एक स्टेप और सॉल्व करो वन माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और फोर का सिक्सटीन यहाँ भी वन प्लस नाइन बाई सिक्सटीन अब इनका एलसीएम ले लो आप अभी एल से सॉल्व कर रहे हैं हम एलसीएम लोगे तो कितना सिक्सटीन यहाँ पे सिक्सटीन माइनस का नाइन यहाँ पे एल्सीय लोगे तो इसका भी एल्सीय कितना 16 और यहाँ पे 16 प्लस का 9 तो आप ये देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो देख के घबराना नहीं है आपने 16 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो कट गया क्या बचा 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस नाइन ट्वेंटी तो एल को सिम्पलीफाई करा तो मेरा आंसर आया 7 बाई ट्वेंटी अब मैं आर को सॉल्व करूंगा अलग से और अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे ना तो हम लिख देंगे कि ये बिल्कुल सही है ये वेरीफाइड है तो एल के बाद अब मैं आर को सॉल्व करने जा रहा हूँ टेकिंग आर ठीक है आर को लेते हैं आर क्या कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए तो कॉस की वैल्यू अभी भी फाइंड करी थी ना आपने यहाँ पे ये फोर बाय फाइव तो आप पुट कर दो फोर बाई फाइव का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है माइनस साइन की भी वैल्यू आपने निकाली थी साइन की वैल्यू आपकी कितनी आई थी साइन की वैल्यू आई थी थ्री बाई फाइव तो फोर बाई फाइव का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव और इसको सॉल्व करोगे नाइन बाई ट्वेंटी फाइव आप एलसीएम ले लो तो कितना आ गया ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन माइनस का नाइन सिंपलीफाई करो सेवन बाई ट्वेंटी फाइव तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ भी सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव यहाँ भी सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव एल एच एस का आंसर भी सेवन बाई ट्वेंटी फाइव आर एच एस का आंसर भी सेवन बाई ट्वेंटी फाइव तो आप लास्ट में लिख दोगे देयर फॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और हैंस वेरीफाइड तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है चेक का या वेरीफाई का तो आपने फर्स्ट क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक की जो भी थर्ड वैल्यू है चाहे वो हाइपोटेनियस हो पाइथागोरस यूज़ करो फाइंड करो फिर जो जो वैल्यूज़ चाहिए ट्रिगो ट्रिगनोमेट्रिक रेशियो की वो फाइंड करो एवेल्युएट वाले पार्ट के लिए आप पहले एल को सॉल्व करो फिर आर को सॉल्व करो दोनों साइड सेम आ गया तो हैंड्स वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड बहुत रेयर होता है ठीक है तो ये आपका बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अब देखो आप अपना क्वेश्चन नंबर टेन मैंने यहाँ पे लिया है एट के बाद नाइन आप खुद करोगे मैं थोड़ी सी हिंट बता देता हूं आपको नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन है कि टेन ए की वैल्यू वन बाई रूट थ्री है तो टेन ए पहले होता क्या है आपको पता है कि P अपॉन में B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और आप जब इस क्वेश्चन के देखोगे कि जो दो पार्ट्स करने उनमें साइन और कॉस आ रहा है तो आपको पता है ना कि अगर टेन में दो चीज़ें पता है परपेंडिकुलर और बेस तो पहले फर्स्ट आप क्या फाइंड करोगे पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस फाइंड करोगे और फिर आपसे जो भी पूछा है साइन ए कॉस सी कॉस ए कॉस सी जो भी पूछा है वो आप फाइंड करना और फिर इवेल्युएट कर लेना प्लस माइनस बट एक चीज़ ध्यान रखना कि टेन ए है यहाँ पर और ए का मतलब क्या है कि या तो टॉप में रखोगे तो फिर इंटरचेंज इससे बढ़िया है कि आप बेस वाली लाइन पे ट्राइंगल के ना बेस वाली लाइन पे रख लेना यहां पे बी कर लेना यहाँ पे ए कर लेना यहां पे सी तो कोई चेंज ही नहीं आएगा यही बेस ये यह परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस नथिंग चेंज ठीक है तो ऐसे आप फिगर बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन में आपके पास बहुत सारी चीजें गिवन भी हैं ठीक है क्या क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू तो आपने एक ट्राइंगल पहले बनाना है और ट्राइंगल में उन्होंने क्या बोला है कि राइट एंगल एट क्यू है तो क्यू पे पहले ही राइट एंगल दे दे दो दो बचा क्या पी और और कहीं भी दे दो। तो पी और आर यहां तो लिख दिया एक बच्चा हो गया जो कि राइट एंगल एट क्यू पे है यहां तक की बात हमने बिल्कुल कर दिया आगे बढ़ते पी आर प्लस क्यू आर का सम ट्वेंटी फाइव है पी आर और क्यू आर इन दो साइड्स का सम ट्वेंटी फाइव है और पी क्यू की वैल्यू सिर्फ कितनी दे रखी है फाइव सेंटीमीटर तो आपको ये देखो कि आपके पास एक साइड की तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है बट इन दोनों की वैल्यू नहीं पता इन दोनों का सम पता है तो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपने तो सेपरेट अलग अलग वैल्यूज़ निकाले तो कोई बात नहीं हम किसी को एक्स या कुछ लेड करते हैं तो देखो आगे क्या करना है आपने सबसे पहले और हाँ निकालना क्या क्या साइन पी पी टेन पी अब यहाँ तो फिगर के अकॉर्डिंग पी टॉप में ही आ रहा है तो टॉप मतलब कि इंटरचेंज ये बेस बन जाएगा ये परपेंडिकुलर ये आप करोगे तो आपको पता लगेगा आगे तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आगे बने कि सेंस ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट और आपके पास क्या गिवन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पी क्यू इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर और एक चीज गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की दो साइड्स का प्लस दे रखा है अच्छा के तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर है तो आपने क्या करना है यहाँ से ना इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो पी आर की चाहे क्यू आर की मैं है ना पी आर की वैल्यू निकालता हूँ पी आर कैसे निकलेगा क्यू आर इधर प्लस में है तो बच्चों उधर की चीज़ में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव के पास माइनस में तो पी आर की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर हमने शिफ्ट कर दिया माइनस में अब आपके पास देखो सेपरेटली पी क्यू पता है और सेपरेटली पी आर भी पता लग गया तो यहाँ से पाइथागोरस यूज करते हैं और देखते हैं थर्ड साइड क्या आती है तो आपने क्या करना है कि यूजिंग पाइथागोरस PR का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर स्क्त की वैल्यू आपको देखो दो में गिवन है तो आप भी ना दो टर्म्स में लिखोगे ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर का स्क्वायर और यहां पे पी क्यू की वैल्यू जो कि एग्जैक्ट पता है कितनी फाइव और क्यू आर को तो आप क्यू आर ही रखोगे ये स्टेप क्लियर हो गया होगा अब देखो यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करना आपको बहुत अच्छे से पता होगा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू मेट फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव और ये तो बिल्कुल एज एज इज़ क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा ठीक है तो मैंने कुछ नहीं करा इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आगे थोड़ा सा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू कितना होता है फिफ्टी तो कितना आ जाएगा ये माइनस का फिफ्टी और ये क्यू आर ठीक है और प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में ट्वेंटी फाइव प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब देखो दोनों साइड ना क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर सेम साइन में है तो आप यहीं से क्यू आर के स्क्वायर को क्यू आर के स्क्वायर से कैंसिल कर दोगे क्या रिजल्ट बचाए फिफ्टी क्यू आर माइनस में तो उधर प्लस में भेज दो और ट्वेंटी फाइव उधर प्लस में है तो इधर माइनस में ले आओ माइनस करोगे तो कितना सिक्स हंड्रेड और यहाँ पे कितना फिफ्टी क्यू आर आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लो सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी जीरो से जीरो कैंसिल फाइव से ये ट्वेल्थ बार में तो फाइनली आपके क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेल्व सेंटीमीटर तो इस तरीके से आपके क्यू आर की वैल्यू आ गई और जब क्यू आर आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर दो पी आर आ जाएगा तो क्यू आर की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर दो जो कि पी आर वाले केस में तो आपके पी आर की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नाउ आपको पता है ना कि पी आर की वैल्यू कितनी थी ट्वेंटी फाइव माइनस का क्यू आर और क्यू आर की वैल्यू अभी भी आई है कितनी ट्वेल्व तो आप ट्वेल्व पुट कर दो तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस करके थर्टीन सेंटीमीटर अब हमारे पास पी क्यू भी पता है क्यू आर भी एग्जैक्ट पता है और पी आर भी थर्टीन पता है मतलब तीनों साइड्स पता चल चुकी है मतलब अब कोई टेंशन नहीं है अब अपने पास टेंशन क्या है ना तो कोई सम करना है ना तो कोई इवेल्यूट करना है ना तो कोई शो करना है सिंपल सी बात इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और तीनों की वैल्यूज देखो पी के टर्म्स में मतलब टॉप वाले एंगल के टर्म्स में तो टॉप वाले एंगल के टर्म्स में है, तो है मैंने तो देखो टॉप पे दिखा दिया अगर आप पी को यहाँ पे दिखाते तो कोई टेंशन ही नहीं होती कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं देखो क्या निकालना है साइन पी निकालना है साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अगर ऊपर का एंगल देख रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका क्या बन गया क्यू आर बन गया बच्चों और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता पी आर इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है अभी अभी फाइंड आउट करी है हमने ट्वेल्व और पी आर की वैल्यू कितनी है थर्टीन साइन पी के बाद क्या निकालना है कॉस पी कॉस पी कितना होता है बी अप एच पंडित जी की हेल्प से और बेस पी के हिसाब से कितना होगा पी क्यू और एच तो आपका पी आर ही रहेगा तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है फाइव बाई थर्टीन और लास्ट में आपसे क्या पूछा है टेन पी टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पंडित जी के हिसाब से और इस बार P है तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा QR और बेस कितना आपका PQ तो यानी QR की वैल्यू 12 और PQ की वैल्यू 5 तो इस तरीके से हमने हमसे और भी अगर पूरी छः पूछते तो भी फाइंड कर देते तो बस हमसे तीन ही पूछा था तो हमने ये तीनों पार्ट्स फाइंड कर दिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट हो चुका है देखो आपने अगर ट्रिग्नोमैट्रिक के अंदर ये स्टार्टिंग है बेस आपने पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले वाली बात याद रखी है आपने मेरे इवेल्युएट करने का सारा स्टेप याद रखा है हाउ टू फाइंड द थर्ड साइड जब आपके पास कोई यूनिट्स ना अगे बना हो तो केलेट करके करना है अगर ये सब चीज़ें नॉलेज है तो आप समझो कि आपका 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आप अभी इन वीडियोस को देख के अपनी 8.1 तक का सारा काम कंप्लीट करो ठीक है पूरी वीडियो को देखा करो बच्चों आप आधी अधूरी देखते हो मुझे सब पता लग जाता है आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज आप ही की बढ़नी है क्योंकि पता है लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई हो नहीं रही है अगर स्कूल से कुछ छूट गया आप डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे एटलीस्ट यहाँ से तो देखो आफ्टर लॉकडाउन तो हम आपको इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप फिलहाल यहां से काम चलाओ और इस सारी वीडियोस कॉपी पर नोट किया करो सारे वर्क को आप टाइम टू टाइम करके चेक कराते रहो आप ही का फायदा है इसमें ठीक है ओके okay.